नमस्कार, आप देख रहे हैं मौतक और हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में। और आपको बता दूं कि आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजीत कुमार पांडे जी। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो माहौल चल रहा है आजकल उत्तर प्रदेश में, और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का जन्मदिन भी है, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मैटर। सबसे पहले तो सर, मऊ तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का जन्मदिन है, उस अवसर पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा उनको, पूज्य महाराज जी को, उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। अब हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल इस समय चल रहा है। ज़्यादातर मैटर निकल कर आ रहे हैं मंदिर मस्जिद हनुमान चालीसा, सर इस पे क्या लगता है? जिस तरह की बातें हो रही हैं कहाँ तक ठीक है? देखिए, ठीक और गलत की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो सच्चाई है उसको छुपाया नहीं जा सकता है। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, इस देश में हिंदू भी रहा है मुस्लिम भी रहा है, ठीक है। लेकिन समय पर जो राजा हुए महाराजा हुए उन्होंने गलत काम किया मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना। क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए, मैं उन्माद फैलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कहीं जी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई है कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो है जो आक्रमण किए थे इस पर, मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कर दी, ये गलत हुआ। उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि दोनों जो संप्रदाय है उनको बचा कर रहना चाहिए। आज क्या है, उन्हीं की देन है कि मंदिर मस्जिद हनुमान चालीसा वो चल रहा है। आने वाले समय में हिंदू भी परेशान है मुस्लिम भी परेशान है। हम नहीं कहते इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहे हैं, लेकिन आने वाला समय जो है वो जो अदालतों में मामला जा रहा है, अदालत देश की सर्वोच्च न्यायालय की बात को सबको मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरह की बातें अगर मंदिर पे हो रही हैं मस्जिद पे हो रही हैं, तो उतनी जुनूनियत के साथ शिक्षा पे अस्पताल पे रोजगार पे बात क्यों नहीं होती? देखिए, मंदिर एक आस्था का केंद्र होता है, मस्जिद भी आस्था का केंद्र होता है। कोई प्रमाण नहीं कि उस मस्जिद में जिसमें नमाज पढ़ी जाती है वहाँ अल्लाह रहता है, कोई प्रमाण नहीं कि जिस मंदिर में पूजा होता है वहाँ भगवान रहता है, एक आस्था का केंद्र होता है। तो आस्था जो है, हम हिंदू हैं तो हम अपनी हमारी आस्था है हिंदू के लिए, जो मुस्लिम है उनकी आस्था उसके लिए है। तो जहाँ तक बात है शिक्षा पर, क्यों शिक्षा कहाँ आपका पिछड़ा हुआ है प्रदेश में? इतने जो आप गोरखपुर चले जाइए, इतने मेडिकल कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, अनेक प्रकार की शिक्षा है, लेकिन जो पढ़ने वाला होगा वो आज के डेट में जो पढ़ता है, आज आईएएस हुए हैं, जो आपका रिजल्ट अभी निकला है, जितने बच्चे पढ़े थे वो आईएएस निकले हैं। जो पढ़ना ही नहीं चाहेगा तो कहाँ से उसको जो है शिक्षा दी जाएगी? शिक्षा की बात होती है, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करने वाला व्यक्ति चाहिए, शिक्षा को पढ़ेगा तभी जो है आगे जाएगा। तो शिक्षा की बात सरकार करती है, लेकिन जो बीच में जो ये मंदिर मस्जिद का मामला आया है ये थोड़ा सा दिक्कत है। इस समय माहौल गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी सबको, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको अपने सूझबूझ से काम लेना चाहिए, विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। विवाद पड़ने का मतलब वो देश पीछे जाता है, प्रदेश पीछे जाता है, गाँव पीछे जाता है। तो ये विवाद नहीं करना चाहिए, जो सही है, जो फैसला सही आता है उसी पर जो है अमल करना चाहिए किसी को। अगर इतिहास की बात करें और विवाद की बात करें, तो अगर पुरानी चीज़ों को खोजा जाए और पुरानी चीज़ों को अगर निकाल के लाया जाए, इतिहास के पन्ने से अगर पुराने पन्नों को उभारा जाए, तो हर वर्ग भी तो लड़ेगा अपना अपना हक, क्योंकि कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसी जातियां हैं जिनका हक किस कई वर्गों ने दबा रखा है। तो बात अगर इस पर होगी तो वर्ग में भी तो बंटवारा होगा। नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। वर्ग का कैसे बंटवारा होगा? जब आप समानता का अधिकार मानते हैं, आप मानते हैं कि मैं बराबर हूँ, तो कहाँ से? आज समाज बराबर है, किसी को मंदिर में जाने को रोका नहीं जाता है। पहले के समय में होता था, ऊंच नीच की भावना थी, मंदिर में जाने से रोका जाता था, चाहे अनेक प्रकार की समस्या थी। आज विगत देखिए, हमारी भी उम्र 50 वर्ष की हो गई है, लेकिन कहीं भी देखिए कोई वर्ग मंदिर में जाता है उसको रोका जाता है? कहीं नहीं रोका जाता है। उसको पूजा करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, जाने का अधिकार है। ये तो भेद पैदा करने वाले नेता हैं, अपनी राजनीति को उल्लू सीधा करने के लिए, उल्टा सीधा किसी पार्टी को, मैं कहता हूँ एक पार्टी को नहीं, मैं कहता हूँ भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये जो है जनता लड़ाने के लिए, जनता को लड़ाने के, जातिगत व्यवस्था भेदभाव करना इन लोगों का काम है। जनता खुद समझदार है और जनता खुद देख रही है। आने वाले समय का आपने रिजल्ट देखा, चुनाव का रिजल्ट देखा, क्या हुआ? इतनी लड़ाइयाँ हुई लेकिन क्या हुआ? जो निर्णय था भाई, जनता के निर्णय को ही मानेंगे आप, जिसको जनता ने निर्णय दिया उसकी सरकार बनी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, नेता लड़ाते हैं,
नेता लड़ाते हैं और जनता लड़ती है, और कुछ नहीं है उसमें जो है। क्या लगता है जिस तरह से महंगाई बढ़ती रही है, बातें कांग्रेस की सरकार थी तो जब विपक्ष में बीजेपी थी तो खूब हंगामा था, चाहे गैस का दाम बढ़ा, चाहे सिलेंडर के, चाहे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, इस समय की स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक परशुराम सेना के अध्यक्ष हैं। देखिए, इसको तो मैं स्वीकार करूँगा महंगाई बढ़ी, लेकिन आप एक बात को सोचिए, आदमी एक ज़मीन ख़रीदता है 5 लाख रुपये की और उसको 6 महीने में वो बेचता है 25 लाख में, उसके पास कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ से? जब उसकी कीमत बढ़ रही है, ज़मीन की कीमत बढ़ रही है, तो कुछ महंगाई आई। देखिए, देश में 3 बार कोरोना काल आया, जो कोरोना काल का असर लोग मानते हैं कोरोना ने कुछ नहीं किया, कोरोना ने किया, आज भी असर है उसका, कोई उसको स्वीकार करे माने या ना मांगे। महंगाई की देन, जितनी महंगाई की देन है, कोरोना काल के कारण जो है महंगाइयाँ बढ़ी। सरकार ने कुछ फैसला लिया, कुछ निर्णय लिया, उसका गलत है, उसको गलत मैं मानता हूँ, लेकिन महंगाई बढ़ने का मतलब आज के डेट में पेट्रोल जो है हमारा जो है लगभग जो है 96 रुपये के आसपास होगा सरकार ने पेट्रोल का दाम, लेकिन कितना है? फ्री में सबको राशन भी चाहिए, फ्री में सारी व्यवस्था ही चाहिए, आदमी काम नहीं करना चाहता है, उसको रोजगार भी चाहिए, तो सरकार कहाँ से देगी? अपने घर से तो देगी नहीं, इसी में से देगी। तो इसलिए महंगाई बढ़ने का कारण है कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था में कमी रही, कोरोना की व्यवस्था में कमी रही, इसके कारण जो है महंगाई बढ़ी है। क्या लगता है, हम बात कर लें उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे हम निवास करते हैं, खासतौर से पूर्वांचल के राज्य में, यहाँ पे सरकारें सपा की भी रही हैं, सरकारें बसपा की भी रही हैं, अब 2 बार से सरकार यहाँ पे बीजेपी की है, मगर लोग यहाँ का पलायन नहीं रुकता, लोगों के यहाँ पे बेरोजगारी नहीं, जो गरीबी वाली समस्या है, फ्री राशन बांटना पड़ रहा है इस सरकार को, तो आपको क्या लगता है कि जो पिछली सरकारें रही हैं किस तरह का कार्य किया उन लोगों ने? देखिए, हम बता दें, बेरोजगारी तो कहीं हो नहीं सकती है, इसको मैं एकदम खारिज कर देता हूँ। आदमी काम नहीं करना चाहता है, आदमी काम जरूर होता है, अगर काम करे ना, प्रत्येक आदमी काम करे तो 1000 रुपया कमा सकता है, लेकिन काम करे तब, घर में बैठकर गांव में बैठकर ताश खेलने से बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती है। आप आइए काम करिए, क्यों नहीं है, पैसा मिलेगा। एक एक लोग हैं अपना मजदूरी मेहनत करके बेच कर वो करके रोजगार करके 1000 रुपया कमाते हैं, लेकिन जब काम ही नहीं करेंगे तो बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटेंगे। आप जिसकी जितनी क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है पढ़ाई करिए, नहीं क्षमता है रोजगार करिए, तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन जब आप काम करेंगे तब बेरोजगारी दूर होगी। बिना काम किए कुछ किसी को पैसा नहीं मिलने वाला है, तो काम करेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी, और काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटेंगे। मैं नहीं मानता हूँ बेरोजगारी है कहीं पर। सरकार ने कहा कि आप काम करिए, आप पकौड़े तलिए, बहुत सारे रोजगार हैं, सब्जी बेचना भी रोजगार है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। सरकार ने कहा कि हम 10,000 रुपया सहयोग भी किया, सरकार ने 10,000 रुपये दिए कि आप लोग दुकानदार करिए। कुछ दिनों से सरकार ने फैसला लिया कि जो पटरियों पे दुकान लगाई जा रही हैं, अतिक्रमण के तहत ही हटाए जा रहे हैं, फिर उन लोगों के बारे में सरकार क्या सोच रही है? आपको बता दूँ, मेरा जन्म स्थान मऊ है, मेरा कर्म स्थान गोरखपुर है, मैं गोरखपुर में निवास करता हूँ, तारामंडल एरिया में रहता हूँ। वहाँ पर एक नौका विहार जगह है, वहाँ पर कुछ नहीं होता था पहले के सरकारों में, वहाँ सरकार ने कुछ नहीं किया। आज के डेट में जाइए वहाँ पर, कम से कम नहीं तो कम से कम 10,000 रोजगार वहाँ पर मिला है लोगों को, रोज काम करते हैं लोग, और रोज जो है वहाँ से 1000 रुपया कमा कर ले जाते हैं, तो काम करते हैं तब पैसा ले जाते हैं। अगर आप विकास का काम करेंगे अपने आप रोजगार बढ़ेगा, जब विकास का काम नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। पटरियों पर रही बात है, अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आप देख लीजिए, दोहरी घाट से हम जाते हैं मऊ के लिए, पूरे रोड पर जो है सड़क पर जो है जाम रहता है, और लेकिन यह कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा है, जिसने अतिक्रमण किया है उसको अतिक्रमण हटवा देना चाहिए तत्काल, जिसको अपनी दुकान करना है अपने घर में करे, न कि सड़क में करे। जो छोटे छोटे पटरियों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनका तो तुरंत आके जेसीबी हटा देती है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल अपने हॉस्पिटल के आगे जो बड़ा बड़ा जाम लगा के रखे हैं, उन पर कार्रवाई आपको नहीं लगती कि सर थोड़ा सा ढीली चल रही है? ये तो अधिकारियों की लापरवाही, अधिकारी जो है सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा नहीं है। महाराज जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो भी अतिक्रमण है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, भेदभाव न किया जाए, उनका अतिक्रमण हटाया जाए, चाहे डॉक्टर हो चाहे बैरिस्टर हो, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण किया है तो उसको हटवाया जाए, तत्काल हटवाया जाए। इसको मैंने देखा है गोरखपुर में, ये चीज़ होता है। यहाँ मऊ की स्थिति है भाई, कुछ अधिकारी होंगे ऐसे काम करते होंगे, भेदभाव करते हैं, चूंकि करना नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए जो है। तो ये थे परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजित कुमार पांडे जी, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।